नहाने, पहले मैं बहुत डरता था, फिर बाद में मैं ट्यूबल में नहाया, मुझे अतील भाई ने मुझे चलान करवाई, उन्होंने हाथ पकड़ा, फिर मैं नहाया खुद, फिर चैनल से और उम्मीद करते हैं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे। आज हम व्लॉग बनाने लगे हैं नहाने पर। ये हमारे एक छोटे से मेहमान आए हैं फैसलाबाद से, जैन भाई, और उन्होंने कहा कि ट्यूबवेल पे नहाने जाना है। फैसलाबाद में ट्यूबवेल वगैरह तो होते नहीं हैं, स्विमिंग पूल या इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं, या बस घर में नहाते हैं। तो ये कह रहे हैं, दिल कर रहा है नहाने को, तो अब नहाने भी जाना है ट्यूबवेल पे। तो अब हम दूसरे लड़कों को भी इकट्ठा किया ग्रुप वालों को, जी चंद लड़के आए हैं, ये तलहा भाई, ये अदील भाई, और ये पीछे कासम भाई, और ये हमजा भाई, और ये मुदस्सर भाई, और ये जैन भाई, और मैं आसिफ। और अब हम इधर से जाने लगे हैं, बाइक मंगवाई है, ये थोड़ी सी दूर है हमारे इधर ट्यूबवेल, और काफ़ी बड़ी हदी बनी हुई है और काफ़ी मज़ा आता है उधर नहाने का, और जैन भाई को उधर ही नहला कर लाते हैं। ठीक है, अब नहाने जा रहे हैं, तो बाद में इंशाल्लाह आपको जाते हैं, विजिट करवाते हैं दूसरी सरगर्मियों पर। और एक ये हमजा भाई ने पहले कैब ली हुई है, ये स्टैंड उठा लिया कासम भाई ने, और ये मुदस्सर भाई, और ये मेरे सामने थोड़ा पीछे करूँ, ओ जैन एकदम मोटा तो आ रहे हैं, ये जैन भाई आने से कुछ पिक्चरें, ये मेहमान हमारे इधर आए हुए हैं जैन भाई, और दूसरे ये लड़के तला भाई, ये मांग रहे हैं कुछ मुझसे। ये देखिए मांग नहीं रहे, ये मट्टी लेकर आए नीचे से, ये ऐनक का टांका लगाना था इस अल्फी के साथ, ये टूटी हुई है तो इसे जोड़ना है, पिक्चरें बनानी थी इसलिए अब वक्ती तौर पर मिली नहीं, और अब इसे जोड़ते हैं ये अल्फी के साथ। ये थोड़ी सी टूटी हुई है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये टूटी हुई है, अब इसे जोड़ते हैं तो कल लगाते हैं पाकिस्तानियों की तरह। चल भाई पता देने इधर से बढ़ा, ओ इधर से जुड़ गई, सही लग गया टांगा, पैन की पता नहीं चेक, ये देखना ऐनक बन गई A1, और बंदा भी लग रहा है A1। कल जाने लगे थे, अब वो हमजा और अदील भाई जा रहे हैं, कहते हैं गर्मी बहुत है, बाइक पे जाते हैं, तो हम ये पांच इधर खड़े होते हैं, वो बाइक लेकर आते हैं कि हम पैदल पैदल जा रहे हैं। पीछे आ गए ये हमजा आ गया, और पीछे अदील आ गया, और तो उन्होंने तो चल लाने, ये चार एक पे बैठ गए हैं, और तीन हम एक पे, हमजा भाई और मैं और तना भाई, ये हम एक पे बैठ गए। चलो अखर जी पहला मैं देखी ये हम अपने गांव से निकल रहे हैं, ये साथ ही है तकरीबन, है चंद फासले पे नहाने का मंजर। देखे माशाल्लाह कितनी हरियाली है, और बहुत ही अच्छा, मैं थले ना ला नहीं करे दूना, देखे मैं आप बना रहा पाया, ये हमारे आम भी हैं, ये आम भी पीछे बैठे हैं। चार रही है, खाला चार रहा है, बस इतने खड़ा ये जैन भाई पानी को देखकर बहुत मुस्कुरा रहे हैं, कैसा फील हो, इधर ना पा दी तू, बह जा थले,
ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਾਸਮ ਤਨ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ? ਕਲਾ ਭਾਈ ਉਹ ਦੇਖੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ਰਮਾ ਰਹੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਦਿਲ ਭਾਈ ਦੇਖੇ ਕੈਸਾ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਖਾਲੀ ਪੇ ਔਰ ਇਧਰ ਸੇ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵੋ ਮੋਟਰ ਹੈ ਵਾਂ ਔਰ ਇਧਰ ਸੇ ਆਗੇ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਅਬ ਖਾਲਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਲਗੇ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਕਿਸ ਸਟਾਈਲ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਮੋਟਰ ਆ ਗਏ ਹਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਰੁਕੇ ਇੱਧਰ ਇਹ ਦਰਖਤ ਦੇਖੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪਿਕਚਰੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਸੋ ਇੱਧਰ ਹਮ ਰੁਕੇ ਦੇਖੇ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇਖ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੇ ਬਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਿਲ ਭਾਈ ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਸਮ ਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਚਾਂਦ ਭਾਈ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ ਸਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਐਡੀਟਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਬਸ ਬਸ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਦੀ ਵਾਹ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਉਹਨੇ ਵਾਹ ਮੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਈਕ ਉੱਧਰ ਸਾਇਆ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਖੜੀ ਕਰ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੂਬਲ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਖਾਸਾ ਭਾਈ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਪਕੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜ਼ੈਨ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਇਹ ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ ਪਿੱਛੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮਾਰੇ ਜੇ ਅਬ ਆਏ ਹੈ ਉਹ ਆਗੇ ਦੇਖੇ ਅਰਸ਼ਦ ਭਾਈ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਅਰਸ਼ਦ ਭਾਈ ਫੋਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ ਇਨਕੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਇਹ ਮੋਟਰ ਇੱਧਰ ਨਹਾਨੇ ਆਏ ਹੈ ਕਹਾਂ ਹੈ ਅਰਸ਼ਦ ਭਾਈ ਇਹ ਹਮ ਬਿਜਲੀ ਪੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਇਹ ਅਰਸ਼ਦ ਭਾਈ ਹੈ ਹਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆ ਬਹੁਤ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਸੇ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕੋਈ ਕਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੋਟਰ ਆ ਜਾਣਾ ਬੜੀ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰਾ ਇਹ ਮੌਸਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉੱਪਰ ਬੱਦਲ ਵੀ ਹੈ ਬੱਦਲ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੌਸਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਹਮ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਮੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਕਾ ਅੰਦਰਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇਹ ਲੜਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸਾਈਡੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਔਰ ਇਹ ਟੂਬਲ ਆ ਗਿਆ ਆਪਕੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਸਭ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦੇਖੇ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਮੰਦਰ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਮੋਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੇਬਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜੇ ਚਲੋ ਨਹਾਓ ਪਰ ਡੋਬੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਯਾਰ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਔਰ ਜ਼ੈਨ ਤੂੰ ਜਾ ਯਾਰ ਜ਼ੈਨ ਜਾ ਯਾਰ ਇਹ ਨਹਾਨੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੇ ਕੈਮਰਾ ਪਕੜਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜ਼ੈਨ ਭਾਈ ਨਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਬ ਇਸੇ ਮੈਂ ਕੈਸੇ ਸਮਝਾਊਂ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਬਾਹਰ ਸੇ ਦੇਖੇ Thank you.
ये आप सारे ये इधर खाला क्रॉस कर लिया सभी ने, बस लास्ट पे आपको बताने लगे कि हमने इधर आके कैसा महसूस किया। और जैन भाई ने, और जैन भाई के काम देखो, वो खाला क्रॉस करने लगा और बहुत मुश्किल से, और लगा छाल। ये देखे शहरी बच्चे इस तरह के होते हैं, देख लो इनके इतने छोटे दिल हैं, बस क्या बताएं आपको। अच्छा चल मार छाल है, ओ आ गए थोड़े पीछे, चले थे बैठो। लोग या आज का यही ख़त्म, हमने काफ़ी आज अल्हम्दुलिल्लाह इंजॉय किया, जैन भाई ने भी, उससे भी पूछते हैं। तो ये हमजा भाई बताते हैं कि नहाकर इन्हें कैसा महसूस लगा, ये आज का विज़िट हमारा इधर टूबल का कैसा लगा जी। हमजा भाई बताएं ज़रा अपने नाजरीन को, क्या बताएं कि कैसा लग रहा है आपको? वैसे तो हवा चल रही है तो ठंड महसूस हो रही है। अच्छा सर भाई पीछे बैठे हैं, तो सर बताएं कैसा लगा आज यार? आज मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है इसलिए मुझे भी बहुत अच्छा फील हुआ। कासम भाई आप बताएं। माशा बहुत अच्छा लगा, हवा भी चल रही है, नहाने के बाद ठंड बहुत लगी थी। अच्छा दोस्तों आप भी ऐसे टूलों पर नहाने जाए, टूलों पर हाँ बहुत गर्मी है। दिल भाई कैसा फील हुआ आपको इधर आके? बहुत इंजॉय किया जैन भाई के साथ और दोस्तों के साथ। अच्छा आने से पहले बहुत गर्मी सी फील हो रही थी, लेकिन जब नहाने के बाद अब सर्दी सी फील हो रही है, सर्दी लग रही है। रमजान के बाद पहली बार आज नहाने आए हैं इधर, झूठ मारी जाता तो पिच बना के झूठ का तो मारे चुप। अच्छा चलो जी ठीक है, ये दिल भाई थे और आगे तला भाई, और तला भाई तो बस हाँ तला भाई है। तला भाई से पूछना है तो। तला भाई बताए। बहुत अच्छा फील हुआ। चलिए अब लास्ट पे ये तला भाई तो बहुत शर्मा रहे हैं, तो ये लास्ट पे आ गए जैन भाई, जिनकी वजह से जो हमारी इधर आने की वजह बना नहाने की, और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वजह से आज हमने भी बहुत इंजॉय किया। मैं तो तकरीबन बहुत ही तकरीबन साल से भी ज़्यादा हो गया टूबल पर नहाने नहीं आया, लेकिन आज जैन भाई की वजह से बस आ गए, इसने कहा जाना नहाने। ये कल भी आए हैं लेकिन इसने अंदर वो हदी में नहीं नहाया, डरता रहा है, लेकिन आज आया, इसका ये डर भी ख़त्म किया है, तो ये भी आज काफ़ी हैप्पी है। स्टार्ट में तो ये रोने लग पड़ा जब इसे आदिल भाई ने धक्का दिया, तो लेकिन अभी मुस्करा रहा है, खुश है। तो इससे पूछते हैं कि फैसलाबाद की लाइफ और हमारी इधर गाँव की लाइफ कैसी लगी, और आज इसने कैसा महसूस किया, और आपके लिए क्या कहेगा? हाय और यहाँ पे टूबल में नहाने, पहले मैं बहुत डर रहा था, फिर बाद में मैं टूबल में नहाया, मुझे अदील भाई ने मुझे छलांग मरवाई, उन्होंने हाथ पकड़ा, फिर मैं नहाया खुद, फिर बहुत मज़ा आया, फिर हम आ गए। नहीं आपको फैसलाबाद अच्छा लगे या महसूस हो रहा है, या ये गाँव की लाइफ अच्छी लग रही है? सच बताना है, गाँव की लाइफ अच्छी है। गाँव की लाइफ फैसलाबाद में क्या वो तंगी सी नहीं होती घरों घरों में रहना? ये सिटी में रहते हैं बंद कर रहे हैं घरों में, तो ये कल के आए हुए हैं इधर, तो आज इन्हें इधर नहाने भी लेकर आए, कल भी आए थे लेकिन आज हम हमारे साथ आए हैं। तो हाँ तो आज आज अच्छा फील हुआ और डर खत्म हो गया? हाँ डर भी इसका ख़त्म हो गया, ये अब पहले रो रहा था स्टार्ट में, अब मुस्करा रहा है। दोस्तों अब आ गया हमजा को मैंने कैमरा पकड़ा दिया और मैं खुद आ गया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं भी काफ़ी दिनों बाद इधर आया हूँ नहाने, ये जैन भाई की वजह से, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी बहुत इंजॉय किया और बहुत ही आज दिली तौर पर सुकून हुआ। बाहर आज निकले हैं तो बहुत अच्छा सा महसूस हुआ, पहले बस वो खेलने जाते थे बस स्कूल तक या बाहर सिटी वगैरह, तो आज खेत वगैरह में निकले और मौसम में आए नहाने, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा फील हुआ और बहुत ही दिल में सुकून है, इसकी मेहरबानी। आज इसे भी बहुत अच्छा लगा, ये कल भी आए थे लेकिन कल इसने नहाया नहीं अच्छी तरह, तो आज माशाल्लाह इसने भी अच्छी तरह हमारे साथ इंजॉय किया। तो अब हम घर जाने लगे हैं, वह हमारा आज का भी लोग यहीं खुश रहें, खुशियाँ बांटें और नेकी करते रहें, अल्लाह आपको खुश रखे। और अगर हमारी ये आज का भी लोग हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ठीक है भाई, इनके अस्सलाम वालेकुम।